हेलो दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं एक नई जगह पे, विजयगढ़ का किला। इससे होते हुए जंगल में कहीं कहीं हमें मिल जा रहे हैं कुछ जानवर, गाय। विजयगढ़ का किला हमारे सोनभद्र जिले में पड़ता है, जो कि रावर्ट्सगंज शहर से लगभग 23 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। ये एक ऐतिहासिक किला है। हम अभी आपको चलते हैं, देखते हैं, अगर ऊपर जाने की परमिशन मिले तो हम आप लोगों को ऊपर। यह है विजयगढ़ किला का मुख्य द्वार। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे ये बना हुआ है। ऐसे दुर्गम स्थान पे ये किला है। मैं आप लोगों को अभी ले चलता हूँ ऊपर। ये देखिए किले के गेट पे। पहले के जमाने में जो इंजीनियरिंग था, कितना डेवलपमेंट था, ये कैसे बना होगा उस टाइम के लोग ही जानते हैं। हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते इसका। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस पे क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ पता नहीं है। यह विजयगढ़ किला का मुख्य द्वार यहाँ पे बना हुआ है। किला का मुख्य द्वार ये आगे का दो पील गेट। चलिए मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे एक हनुमान जी आ रहे हैं, यानी कि मंकी। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ की हालत। अब मैं चल रहा हूँ ऊपर। ये देखिए, ये देखिए तीनों जा रहे हैं, थक चुके हैं सभी लड़के। ये क्या बना हुआ है कुछ पता नहीं, क्यों बना हुआ है। ये मेरे हिसाब से पहले यहाँ पे कोई गेट लगा होगा। ये देखिए किले की क्या हालत हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, पहले के किला का गेट। अब हम बाहर आ चुके हैं किले के, मतलब किले में आ चुके हैं अंदर, मुख्य द्वार से होते हुए। लंगर खाना लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आइए आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यही है किला जो बचा हुआ है, बाकी सब तो गिर चुका है। आइए मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ और चलते हैं यहाँ से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की नक्काशी को। पहले का ये किला संरक्षण के बिना आज इस तरह का हो गया है। ये देखिए पहले की डिजाइनिंग काटे हुए हैं। ये देखिए पहले की नक्काशी। कितना सुंदर बनाया गया है। ये मेरे हिसाब से पहले का राज्यसभा होगा, यहीं पे सभा होगा, लगता होगा राजा का। ये देखिए संरक्षण के बिना ये किला पूरा खराब हो चुका है, देश की धरोहर नष्ट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। Thank you.
मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर, चंद्रकांता महल यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा टूट फूट चुका है, वहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मजार मस्जिद बना हुआ है, इसे मखदूम शाह का मस्जिद बोलते हैं। यहाँ पे कुछ गायें चर रही हैं, यहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ है जो सूख चुका है। प्राय इस किले पे पूरे 7 पोखरे हैं और मुझे 6 पोखरों का नाम नहीं पता, बस एक ही का नाम पता है, राम सागर पोखरे का। और ये पोखरे का नाम मुझे नहीं पता है। ये मखदूम शाह का यहाँ पे एक मजार है, आप लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं। ये देखिए दोस्तों, राम सागर पोखरा जिसका पानी कभी नहीं सूखता। आप कभी भी आइए, कितने गर्मी के मौसम में इधर आसपास के तालाब सूख जाते हैं, हैंडपंप पानी देना बंद हो जाता है, लेकिन इसका पानी हमेशा इतना ही रहता है, इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता है। ये देखिए, ये यहाँ का सबसे मुख्य तालाब राम सागर पोखरा इसे बोला जाता है। इसकी मान्यता है कि इसमें माता गंगा का प्रवाह है। कंवरिया लोग यहीं से जल लेते हैं और भोले बाबा का यहाँ से 80 किलोमीटर दूर शिव द्वार नामक एक स्थान पे एक मंदिर है, जहाँ पे वहाँ पे जल चढ़ाया जाता है। इस पोखरे की गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कभी ये पोखरा आज तक सूखा ही नहीं है। ये देखिए दोस्तों, एक पोखरा यहाँ पर भी है, इसका नाम नहीं पता है हमको क्या नाम है पोखरे का। अब हम लोग वापिस जा रहे हैं, इधर एक पीछे का दरवाजा है, हम लोग वहाँ से नीचे उतरेंगे जहाँ पे हमारा बाइक खड़ा है और वहीं से हम लोग चले जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पीछे के दरवाजे पर, यहाँ से हम लोग अब नीचे की ओर जाएंगे और हम लोग यहाँ से अपने, हम लोग का बाइक यहीं खड़ा है नीचे। मैं आप लोगों को पूरा टूर देता स्टेप दिखाता चलूंगा। ये देखिए कितना नीचे है, अब धीरे धीरे हम लोग नीचे जा रहे हैं। संदीप धीरे धीरे उतर रहा है, मुझे बहुत संभल के उतरना होगा। संदीप स्टेप काउंट करना चाह रहा है। लालू स्टेप काउंट करते हुए नीचे जा रहा है, लास्ट में बताएगा कि कितना स्टेप है। ये चलते हैं दोस्तों नीचे, वहां तक लालू ने 47 स्टेप काउंट किया है, उसके आगे कंटिन्यू काउंट करेगा। ये देखिए दोस्तों कितना नीचे अभी जाना है। इधर का व्यू आपको दिखाता चलता हूँ पीछे से, कैसा व्यू है यहाँ का। लालू वहाँ पहुँच के बैठ गया। ये किले के पीछे का व्यू है, लोग आ गए। ये देखिए कितना ऊपर है, अभी लालू ने यहाँ पे 147 स्टेप काउंट किया है। अभी हमने 147 स्टेप को नीचे उतरे हुए हैं, अभी और भी नीचे स्टेप हैं, अभी लालू दोबारा काउंट करेगा। चलते हैं नीचे, अब हम लोग नीचे आने वाले ही हैं।
चलिए दोस्तों धीरे धीरे उतरते हैं। आइए अब चलते हैं नीचे की ओर। जी हम नीचे आ गए, देखिए वहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। नीचे आ चुका हूँ, अब हम लोग यहाँ से वापस घर को जाएंगे। यहाँ का टूरिज्म से इनका व्यवसाय चलता है, कुछ फ्रूट वगैरह की दुकानें हैं और ये समोसा चाट वगैरह कुछ बेच रहे हैं। ये देखिए पकौड़ी, कभी आप आए तो यहाँ पकौड़ी। 305 सीढ़ियाँ उतर के हम लोग आए हैं जिससे हम लोग का हालत खराब हो गया। आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ से ये किला है विजयगढ़ का, रानी चंद्रकांता का किला।